इस वीडियो में हम लोग मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन के बारे में समझेंगे, किस तरह से इस प्रोटेक्शन के हेल्प से अल्टरनेटर को प्रोटेक्ट करते हैं। जनरेटिंग स्टेशन पर अल्टरनेटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए अल्टरनेटर के स्टेटर वाइंडिंग को इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप के प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, please subscribe the channel and press the bell icon for regular updates. First of all, we understand this simple circuit diagram. यहाँ पे alternator का थ्री फेज वाइंडिंग है, that is R, Y and B. तीनों फेज के लिए alternator वाइंडिंग के both साइड separate थ्री current transformer कनेक्ट करते हैं. Where left side CTs को CT1 बोल रहे हैं एंड राइट साइड सिटीज को CT2 बोल रहे हैं। सिटी के इस पोर्शन को सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं एंड इस पोर्शन को प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी कॉइल के दोनों पोर्शन को S1 एंड S2 से डिनोट कर रहे हैं। बोथ साइड ऑफ सिटी का जो सेकेंडरी है वो पायलट वायर के हेल्प से स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड है, मतलब लेफ्ट साइड के सेकेंडरी S2 को राइट साइड के सेकेंडरी S1 से कनेक्ट करते हैं। इस टाइप के कनेक्शन को स्टार कनेक्शन बोलते हैं। एंड CT1 का सेकेंडरी कॉइल S1 CT2 के सेकेंडरी कॉइल S2 से कनेक्ट करते हैं, जो कि एज अ न्यूट्रल वायर बिहेव करेगा। थ्री पायलट वायर के क्रॉस थ्री रिले कनेक्ट रहता है, R1 R2 एंड R3, जो कि पायलट वायर के इक्विपोटेंशियल पॉइंट पर प्लेस्ड रहता है, मतलब एग्जैक्टली मिडिल में प्लेस्ड रहेगा। तीनों पायलट वायर के इस पॉइंट पर वोल्टेज का वैल्यू जीरो रहता है। जीरो क्यों रहता है उसको समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक वायर है जिसमें वोल्टेज का वैल्यू 10 वोल्ट है। इस वायर में तीन पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, A, B एंड C। अगर 10 वोल्ट को हाफ हाफ डिवाइड करेंगे, AB 5 वोल्ट एंड BC 5 वोल्ट होगा। अब इस इक्वी पॉइंट पर वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, AB माइनस BC करेंगे देन 5 - 5 = 0 वोल्ट। इसलिए बोल रहे हैं वायर के इक्वी पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होता है। हम लोग रिले को इक्विपोटेंशियल पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं ताकि दोनों साइड के करंट ट्रांसफार्मर पर सेम बर्डन हो सके। यहाँ पे जो रिले यूज करा गया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है, जो कि इंस्टेंटेनियस एक्शन के लिए डिजाइन किया जाता है। जब सिस्टम में कोई फॉल्ट ऑकर होगा तो रिले इंस्टेंटली ऑपरेट होगा। अल्टरनेटर के स्टेटर वाइंडिंग में दो टाइप का फॉल्ट ऑकर होता है, फेज टू फेज फॉल्ट एंड फेज टू अर्थ फॉल्ट। मर्ज प्राइज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में एक्चुअली होता क्या है, प्रोटेक्टेड जोन के दोनों एंड पर करंट के वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन और अंडर हेल्दी कंडीशन प्रोटेक्टेड जोन के दोनों एंड पर करंट का वैल्यू सेम होता है। नॉर्मल कंडीशन में पायलट वायर से जो करंट सर्कुलेट करती है वो बैलेंस्ड सर्कुलेटिंग करंट होती है, जो कि रिले कॉइल से फ्लो नहीं करती है। एंड जैसे ही अल्टरनेटर के स्टेटर वाइंडिंग में फेज टू फेज फॉल्ट और फेज टू अर्थ फॉल्ट ऑकर होता है तो प्रोटेक्टेड जोन के बोथ एंड पर करंट का वैल्यू अनबैलेंस्ड हो जाता है। जब करंट अनबैलेंस होती है तो जो डिफरेंशियल करंट है वो रिले कॉइल से फ्लो करती है एंड रिले इंस्टेंटली ऑपरेट हो जाता है एंड सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड देता है टू ट्रिप द सर्किट। सपोज R फेज में फेज टू अर्थ फॉल्ट ऑकर होता है तो इस कंडीशन में R फेज का जो दोनों CT है उसके सेकेंडरी कॉइल में करंट का वैल्यू अनबैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण कोरोस्पोंडिंग करंट रिले R1 से फ्लो करेगी एंड रिले R1 ऑपरेट होगी एंड सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड मिलेगा टू ट्रिप द सर्किट। सपोज Y एंड B फेज के बीच
शॉर्ट सर्किट ऑकर होता है। तो इस कंडीशन में वाई एंड बी फेज के दोनों एंड पर करंट का वैल्यू अनबैलेंस हो जाएगी और वो डिफरेंशियल करंट कॉरस्पॉन्डिंग रिले के थ्रू फ्लो करेगी। तो वाई एंड बी फेज का कॉरस्पॉन्डिंग रिले आर टू एंड आर थ्री है, सो रिले आर टू एंड आर थ्री ऑपरेट होगा एंड सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड मिलेगा टू ट्रिप द सर्किट। इस तरह से मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन स्कीम की हेल्प से अल्टरनेटर का स्टेटर वाइंडिंग डैमेज होने से बच जाता है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की और भी वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट पेज पर विजिट करें। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।